उदयपुर के जंगल में रहने वाली टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब और अनाथ चिड़िया थी। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। टूनी टूटी फूटी झोपड़ी और दूसरे के खेतों में काम करके जैसे तैसे अपना गुजारा किया करती थी। धीरे धीरे सर्दी का मौसम आने लगता है और देखते ही देखते बर्फ गिरने लग जाती है। धीरे धीरे सर्दी तो बढ़ती ही जा रही है, ऐसे ठंड से बचने के लिए मुझे लकड़ियों का इंतजाम करना ही होगा। फिर पास में पड़ी फटी चादर ओढ़कर टूनी चिड़िया सो जाती है। अगली सुबह टूनी लकड़ियों की तलाश में निकल जाती है, लेकिन बर्फ गिरने की वजह से जंगल में कहीं पर भी सूखी लकड़ियां नहीं थी, जिसके कारण टूनी को लकड़ियां मिलने में बहुत परेशानी होती है। निराश मन से टूनी घर वापस आ जाती है। आज मुझे फिर से लकड़ियां नहीं मिली, अगर मिल जाती तो आग जलाकर मुझे ठंड से राहत मिल जाती। पता नहीं कब तक मुझे ऐसे ही ठंड में ठिठुरते रहना पड़ेगा। बढ़ती रात के साथ ठंडी हवाएं और भी तेज हो जाती हैं। तभी कुछ समय बाद दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। अरे इस समय दरवाजे पर कौन आ सकता है? टूनी जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती एक बूढ़ी चिड़िया ठंड में ठिठुर रही थी। माँ जी आप कौन हो? इतनी रात गए वो भी बिना चादर के इतनी ठंड में क्यों घूम रही हो? बेटी मैं दूसरे जंगल जा रही थी, लेकिन अंधेरे के कारण रास्ता भटक गई हूँ। मेरी मदद कर दो, आज रात रुकने को मुझे अपने घर में जगह दे दो। टूनी चिड़िया को बूढ़ी अम्मा पर दया आ जाती है और उसे अपने घर के अंदर ले आती है। टूनी चिड़िया मन ही मन सोचती है, पता नहीं कैसे होंगे इसके घर वाले जो इसको इतनी ठंड में अकेली बाहर भेज दिए। टूनी चिड़िया अपना कंबल बूढ़ी चिड़िया को ओढ़ने को दे देती है, खुद बिना कंबल के सो जाती है। सुबह जब टूनी की नींद खुलती है तो उस बूढ़ी अम्मा को उठाने को उस कंबल को हटाती है और हैरान रह जाती है, क्योंकि वहां पर बूढ़ी अम्मा नहीं होती है। अरे ये क्या, बूढ़ी अम्मा तो चली गई बिना कुछ खाए। मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैंने भी कल रात से कुछ नहीं खाया। तभी उस कंबल से एक चमचमाती रोशनी निकलती है और उस कंबल से भोजन की प्लेट उसके सामने आ जाती है। भूख इतनी जोरों से थी, टूनी झट से खाना शुरू कर देती है। कंबल ओढ़कर टूनी चिड़िया बोलती है, काश मेरे पास लकड़ियां होती तो मैं ठंड से बच जाती। तभी लकड़ियां टूनी के सामने आ जाती हैं। अरे ये क्या, कहीं ये जादुई कंबल तो नहीं? लगता है वो अम्मा जादुई थी जिससे यह कंबल भी जादुई हो गया। कंबल ओढ़कर टूनी चिड़िया बोलती है, काश मेरे पास लकड़ियां होती तो मैं ठंड से बच जाती। तभी लकड़ियां टूनी के सामने आ जाती हैं। अरे ये क्या, कहीं ये जादुई कंबल तो नहीं? लगता है वो अम्मा जादुई थी जिससे यह कंबल भी जादुई हो गया। फिर टूनी उस जादुई कंबल से अपनी जरूरत की चीजों को उस जादुई कंबल से पूरा करती है। टूनी जंगल में ठंड से ठिठुर रहे पंछियों को उस जादुई कंबल से जरूरतमंद चीजें देती है। इस तरह खुशी खुशी टूनी चिड़िया जंगल में पंछियों की मदद करती है। रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने पति मानो चिड़े के साथ रह रही थी। कुछ दिन पहले ही रानो चिड़िया के घर खुशियों ने दस्तक दी थी। रानो ने दो अंडे दिए थे। रानो अपने पति से कहती है, जी सुनते हो, कुछ दिनों बाद हमारे इन अंडों से बच्चे बाहर आ जाएंगे। बारिश और तेज हवाओं का मौसम भी आने वाला है, इससे पहले हमें ढेर सारा भोजन इकट्ठा कर लेना चाहिए। रानो तुम बात तो सही कह रही हो, ऐसा करते हैं मैं आज ही जंगल में भोजन की तलाश में जाता हूँ, तुम अंडों का ध्यान रखना। इतना कहकर मानो चिड़ा जंगल में भोजन की तलाश में निकल जाता है। जब मानो चिड़ा
ऊंचे पहाड़ों वाले जंगल में जाता है। वहाँ मानो चिड़ा तेज तूफानी बारिश में फंस जाता है। तूफान तेज होने से मानो चिड़े पर पेड़ से टहनी टूटकर उस पर गिर जाती है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ घर पर रानो चिड़िया सोच रही होती है, अंधेरा भी होने वाला है, पता नहीं कहां पर रह गए, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसे ही सोचते सोचते रानो चिड़िया सो जाती है। कुछ दिन गुजरने के बाद रानो चिड़िया को यकीन हो जाता है कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। समय गुजरते ही उन अंडों से दो बच्चे बाहर आ जाते हैं, एक बेटा और एक बेटी ने जन्म लिया था। वाह, कितने सुंदर हैं मेरे बच्चे। बेटा, मैं तुम्हें लड्डू और बेटी को सिम्मी बुलाया करूंगी। ठीक है मम्मा। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना लेने जा रही हूँ, घोंसले में ही रहना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। रानो बच्चों को घर में छोड़कर दाना लेने चली जाती है। बच्चों की परवरिश के लिए रानो को अब ज्यादा दाना लाना था, इसलिए वह ऊंचे पहाड़ों वाले जंगल में चली जाती है। अब तो एक हफ्ते का दाना हो गया है, जल्दी से घर लौट चलती हूँ, अंधेरा भी होने वाला है। जैसे ही रानो चिड़िया दाना लेकर घर लौट रही होती है, उसकी नज़र मानो चिड़े पर पड़ती है। वह उसे देख खुश हो जाती है और मानो चिड़े के पास जाती है। आप यहाँ क्या कर रहे हो और इतने समय से घर वापस क्यों नहीं आए? आप कौन हो और आप किस घर की बात कर रही हो? मैं रानो, आपकी पत्नी। मेरी पत्नी? मैं नहीं जानता आपको, आप कौन हो? रानो चिड़िया अपने मन ही मन सोचती है, लगता है इनकी याददाश्त चली गई है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। आप मेरे साथ चलिए। रानो जैसे तैसे कर मानो चिड़े को अपने साथ घर ले आती है। मम्मा, ये कौन है? बेटा, ये आपके पापा हैं। आपके जन्म से पहले ये दाना लेने ऊंचे पहाड़ों पर गए थे। मुझे लगता है पहाड़ों पर तेज तूफान में फंसकर इनके सर पर जो चोट आई है, जिसकी वजह से इनकी याददाश्त चली गई है। रानो बच्चों के साथ बात कर रही होती है। रानो की बातों को सुनते सुनते मानो चिड़े की याददाश्त वापस आ जाती है। रानो, मेरी पत्नी। अपने पति से अपना नाम सुन रानो चिड़िया खुश हो जाती है। आपकी याददाश्त आ गई, आपकी याददाश्त आ गई। रानो चिड़िया फिर सारी बात मानो चिड़े को बताती है कि ये हमारे अंडों से बच्चे निकले हैं। इस तरह सारा परिवार फिर से खुशी खुशी रहने लगता है। जंगल में सभी पंछी खुशी खुशी रह रहे थे। जंगल में टूनी चिड़िया, रानो मौसी, कालू और उसकी पत्नी रह रहे थे। इस जंगल में खाने पीने की कोई भी कमी नहीं थी। सभी पंछियों ने अपना अपना फल का पेड़ भी लगाया था। टूनी, सर्दी का मौसम आने वाला है, हमें जल्दी से जल्दी अपने अपने घरों की मुरम्मत कर लेनी चाहिए। हाँ रानो मौसी, लेकिन सर्दी आने में अभी समय है। ऐसे ही बातों में टूनी घर की मुरम्मत को लेकर बात टाल देती है। कालू कौवा और उसकी पत्नी तो पहले ही कामचोर थे, वे हमेशा रानो मौसी और टूनी चिड़िया पर ही निर्भर रहते थे। धीरे धीरे सर्दी बढ़ने लगी थी। पंछियों ने अपने अपने घरों की मुरम्मत भी कर ली थी, लेकिन सर्दियों में भोजन की भी कमी आ जाती थी। अगली सुबह टूनी चिड़िया, कालू कौवे, सर्दी अब बढ़ रही है,
हमें बर्फबारी से पहले पहले भोजन इकट्ठा कर लेना चाहिए। ठीक है रानू मौसी, हम आज ही भोजन लेने जाएंगे। फिर सारे पंछी भोजन की तलाश में पहाड़ों पर चले जाते हैं। सारा दिन भोजन ढूंढने पर भी उन्हें भोजन नहीं मिलता है, क्योंकि सारा भोजन दूसरे जंगलों से आए पंछी लेकर चले गए थे। रानू मौसी, जंगल में भोजन तो नहीं है, अब हम क्या खाएंगे? कल से बर्फबारी भी शुरू हो जाएगी। टूनी, हमने भोजन लेने आने में देरी कर दी है, दूसरे जंगलों से आए पंछी सारा भोजन लेकर चले गए हैं। हाय राम, अब हम इन सर्दियों में क्या खाएंगे? अगर हमें भोजन नहीं मिला तो हम इन सर्दियों में मर जाएंगे। सारे पंछी बिना भोजन के अपने अपने घोंसलों में लौट आते हैं और उसी रात को खूब बर्फबारी हो जाती है। सारा जंगल सफ़ेद चादर से ढक जाता है। उसी रात दूसरे जंगल से बुलबुल आती है। ज़्यादा सर्दी पड़ने से उसका घर टूट चुका था, बुलबुल बेघर हो चुकी थी। वह सभी का दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता है। निराश मन से बुलबुल पेड़ों के पत्तों के नीचे आ बैठती है। तभी उसकी नज़र बड़े से सेब के घर पर पड़ती है। वह उसमें चली जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई सेब। अगले दिन सारे पंछी जादुई सेब देखकर हैरान हो जाते हैं। अगर हम ऐसे ही भूखे रहे तो हम इतनी ठंड में मर जाएंगे, ऐसे पंछी आपस में बातें कर रहे होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद सभी पंछियों के पास भोजन खत्म हो जाता है, लेकिन बुलबुल रोज नए नए पकवान खा रही थी। रानू मौसी, अब तो हमारे पास भोजन भी खत्म हो गया है, लेकिन ये बुलबुल रोज अलग अलग पकवान खाती है। अगर हम ऐसे ही भूखे रहे तो हम इतनी ठंड में मर जाएंगे। रात हो जाती है, सारे पंछी अपने अपने घोंसलों में सो जाते हैं। रात में बर्फबारी इतनी ज्यादा होती है कि सभी पंछियों के घोंसले टूट जाते हैं। सभी पंछी इकट्ठे होकर बुलबुल के पास मदद को जाते हैं। आप सभी इतनी ठंड में इधर क्या कर रहे हो? हम सभी के घर ज्यादा बर्फबारी में टूट गए हैं, क्या आप हमें अपने घर में रहने दोगे? फिर सभी पंछी बुलबुल से माफी मांगकर उसके घर में आ जाते हैं। बुलबुल सभी पंछियों को माफ करके अपने घर में रख लेती है और उन्हें खाने को भी ढेर सारा खाना देती है। फिर इस तरह सभी पंछी खुशी खुशी मिलकर उस जादुई सेब में रहने लगते हैं।